जालंधर के भोगपुर ब्लॉक के बुटरा गांव में 1938 में हाथ से लिखी गई मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ गांव के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में संरक्षित है, लेकिन अब इस कुरान शरीफ को गुरुद्वारा कमेटी ने जालंधर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम नासिर की मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दिया है। ग्रंथी गुरमेज सिंह के अनुसार यह कुरान शरीफ विभाजन के समय का है और गुरुद्वारा साहिब में पूरे सम्मान के साथ रखा गया था। ग्रंथी के अनुसार बंटवारे के समय इस गांव में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने इस कुरान शरीफ को गुरुद्वारा साहिब में सजाया था और वह खुद पाकिस्तान चला गया। उसके बाद से अब तक इसे गुरुद्वारा साहिब में ही रखा गया है। उनके अनुसार शुरुआत में लोग कुरान शरीफ पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे यह भाषा लोगों की पकड़ में नहीं आई। अब पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को मस्जिद प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया है ताकि वे पूरे सम्मान के साथ इसकी संभाल कर सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो पुराना लिखा हुआ है बहुत 47 से पहले का, कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे बुटरा पिंड से, जिन्होंने बताया कि हमारे पास पवित्र कुरान पार्टीशन के पहले का बना हुआ जो पड़ा है हमारे पास, हमने बड़े संभाल के उसको रखा है बड़ी श्रद्धा से, हम बड़ा उनका आदर करते हैं, तो आप हमारे यहाँ आकर उस पवित्र कुरान को आप ले जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये आपका पवित्र कुरान है तो इसकी तंजीम आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने कुछ दिनों के बाद कुछ साथियों को अपने बुकरा गाँव में भेजा, यहाँ से उनको ये कुरान शरीफ मिला। मौलाना शमशाद हैं और कल हम यहाँ से तकरीबन 11 बजे जनाब हज़रत अलहाज सैयद नासिरुद्दीन साहब पीरजादा के हुक्म पर इन्होंने हमको बताया कि बुटरा पीड़ के अंदर एक गुरुद्वारा सिंह साहब, वहाँ पर एक कुरान पाक रखा हुआ है, वहाँ के जो ग्रंथी हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक कुरान शरीफ है जो बहुत कदीम ही और पुराना है, हमने बहुत हिफाजत के साथ आज तक उसको साम करके रखा हुआ है। तो लिहाजा उनके कहने पर फिर हज़रत नासिरुद्दीन साहब के हुक्म पर हम 5 आदमी वहाँ पर गए। फ़र्ज़ की बात कही, वहाँ के अंदर हमें सबको ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म के मुतालिक हमें ऐसा ही होना चाहिए कि जैसा हम अपने धर्म का अदब व एहतराम करते हैं ऐसे ही हमें सब धर्मों का अदब व एहतराम करना चाहिए। हम मानते किसी को भी हो लेकिन धर्म सब सच्चे हैं, वो अच्छे हैं और अच्छा ही सिखाते हैं।